जी हाँ जी, आप कोफ्ते खा रहे हो? हाँ जी, शाम के बने हुए हैं। देखो सुबह हम फिर से वही चीजें खा रहे हैं और चाय बनी है, और सुबह के जो है 8 बजे है, 8 की साढ़े मैं भी एक ये खा लेता हूँ। रौनक भी खा रहा है और मैं भी खा रही हूँ। तो अभी हम शाम के बने ही जो है वो सारी वेराइटीज खा रहे हैं, और यहाँ मेरा सब्जी कटोरी। आज रौनक का पेपर है, और अभी जो है मिस्त्री नहीं जाते हैं जो ऊपर को, उन्होंने हमारे को क्या बोला कि जो हमारा लेंटर है ना उसके जो है वो पैच से बने हैं वो कट करने हैं, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गया है पानी हमारा। जिस दिन से हमारा लेंटर पड़ा उस दिन से लगातार बारिश, और हम सोच रहे थे उसके लिए पानी हम कहाँ से करेंगे, लेकिन पानी जो है बारिश लगातार हो रही है। रात को भी बारिश हुई, अभी मौसम साफ होता है फिर रात को बारिश होती है, तो उस पर जो बहुत सारा पानी है तो वो कच्चा ही रह जाएगा ना, इस वजह से उसको जो है हमें पानी निकालना होगा। थोड़ी देर बाद फिर रौनक के पेपर होंगे ना 1 बजे, इसका जो है दूसरा पेपर है, तो पेपर होने के बाद हम पीछे चले जाएंगे और फिर उसको जो है क्लियर कर देंगे फिर। अरे वाह, आज तो नई ही आ गई, एक तो ले गई थी ब्राग ने, एक और आ गई आज। जर्मन शेफर्ड नहीं है ये किसकी आ गई नई जैसी? आज तो हमारा भाई नया पाउना आ गया, इसके पास कॉलर ही नहीं है। नई आ गई ये भी, कोई दूर से जैसे खेले इसके साथ। ढाई बजे हैं, रौनक के एग्जाम हो गए और हम पीछे जा रहे हैं लेंटर खाली करने। और मुझसे ना बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं आप जो है पतले कैसे हैं, तो डेली हम जो है 15 मिनट ऊपर चढ़ाई में इतना चलते हैं तो 2 चक्कर भी लग जाते हैं कई बार। और आज मैंने ये वाली गुटकी है, बताइएगा कैसी बनी है, क्यों रौनक? और अभी हम लेंटर खाली, मैं तो पत्तर बता रहा हूं बस यहीं से। अभी हम लेंटर खाली करके रौनक की हेयर कट भी करेंगे, और कल साजा है ना, कल जो है शौच लग जाएगा अश्विन महीना, तो हम पीछे सफाई भी करेंगे। शौच का मतलब मानसून? नहीं नहीं, शौच का मतलब घास काटने का महीना। घास काटने, हिमाचल में एक स्पेशल सीजन होता है। हाँ वो है, तो हम घास काटेंगे। चलो जल्दी चलते हैं, फिर वापस भी जाना है जी। और ये हमारी शिमला बस जाती है, और एक दिन में बारिश नहीं हुई तो धूल आ गई। चलो शिमला चलते हैं रौनक। चलो चलते हैं, मेरा क्या जाएगा। पीछे तक पहुँचते पहुँचते अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, क्यों रौनक? हाँ जी, मैं तो पसीने से तर बितर हो चुका हूँ लगातार इतने दिनों तक बारिश की वजह से ना। देखो फुल फुल है ये, पानी से भरा पड़ा हुआ है, और ये पानी अब निकालना जरूरी है। हाँ स्विमिंग पूल बन गया। हाँ हम इसको ना तोड़ देंगे अब बीच बीच से, ये देखो इस तरह से। हाँ और यहाँ से भी सारा ही तोड़ना पड़ेगा ये इस तरह से। अब इसको खाली कर देंगे तब पक्का होगा, नहीं तो पानी पानी ही रहेगा। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, तो रहने दो, फिर भी डालना पड़ेगा अगर 2-3 दिन के बाद धूप लगेगी, क्यों रौनक? सारा ही पानी हम इसका बाहर निकाल देंगे अब। हाँ बीच बीच में से एक एक निकालने पड़ेंगे, पता नहीं मुझसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मेरे तो मजा आ रहा है, पैर में पानी रख। रौनक फोन ना फेंक दो पानी। बोल दिया पैसा कर रहे ना, पापा 5-6 ट्रिक्स में कर देते थे। तब भी मैंने तोड़ तो दिया है ना, यहाँ से अभी आगे जाएगा फिर नीचे चला जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से लॉजिक जुड़ रहे हैं, पर हाँ ये हो रहा है। पानी थोड़ा कम हो रहा है, खुद के ऊपर से निकलेगा बाहर को। ये देख लो यहाँ कहाँ कहाँ से पानी निकल रहा है। एंटर कच्चा है क्योंकि मेरे बस की बात तो नहीं है, सॉरी। मेरे को मजा आ रहा है पैर गर्म पानी में। आप इतने गर्म पानी से ना नहा सकते हो, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश जैसी ठंडी जगह में। इतना पानी और इतना सारा पानी, यहाँ देखो यहाँ से जा रहा है अब सारा। और हम सोच रहे थे हमारे लेंटर के लिए पानी खरीद के करना पड़ेगा, भगवान ने इतना दिया कि हमारे को बाहर निकालना पड़ रहा है। यहाँ से मत तोड़ो, इधर से तोड़ो पीछे से। जाने दो, नीचे मैं चेयर रखती हूँ उसके ऊपर धोने के लिए। ओह माय गॉड, लग रहा है धुल रही है। रौनक ने खूब इंजॉय कर दिया और सारा हमारा जो है पानी निकल गया है, बस ये वाला रहा है।
उधर को तो खाली हो गया है और इधर को रहा है अब थोड़ा थोड़ा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, अब ये पकना भी चाहिए धूप से ना, अच्छा पक जाएगा। अब ये 10 दिन में लगातार भगवान ने बारिश दी इसके लिए। इसके बाद शुरू हो जाता है मेरा वो काम जिसके लिए मैं आई थी। आप लोगों ने देखा ही, जैसे कि कुछ दिनों से यहाँ पे काम चला था तो यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह होती है ना वो बाहर निकली हुई थी, तो मुझे लगा कि चलिए इनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि जैसे कल साजा है ना, साजे के लिए वैसे हमारे संक्रांति होता है ना, जो पहाड़ों में हर साजे के लिए सफाई होती है, तो जैसे भी गंदगी होती है ना अच्छी नहीं लगती है। आगे तो हमने मिलजुल के साफ़ सफाई कर दी थी, और कपड़े धोने का वहाँ सिंपल सा फंडा रहता है, मैं मशीन में डाल देती हूँ, और बड़े बड़े कपड़े जो होते हैं उनको जैसे ही पानी आता है शाम के टाइम भी धो लेते। फिर यहाँ थोड़ा सा जो है चेयर्स वगैरह गंदी थी, और यहाँ पर ना बीच में ये आ रहे हैं चाचा जी और हस्बैंड वगैरह चल रहे हैं ना, तो फटाफट से मैंने ये 4 चेयर साफ़ की, लेकिन साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इसमें जो है सीमेंट वगैरह जम गई थी। बाहर ना सब लोग इस पे बैठते थे, जैसे मिस्त्री वगैरह के लिए भी, सब लोगों के लिए ही थी ये बाहर की यूज़। फिर आज मैं इनको अंदर रख दूँगी, और जो कपड़े यहाँ पर थे कटन वगैरह तो मैंने अभी नहीं धोए, उसमें मैंने ऐसे ही साफ़ सफ़ाई जैसे हल्की हल्की कर दी, अंदर पोचा वगैरह मार दिया, क्योंकि संक्रांति के लिए ऐसे गंदगी नहीं रख सकते हैं, तो मैंने ये फटाफट से सारा साफ कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बाहर ही कपड़े भी धोए। मंजी, हम तो बोले थे कपड़े नीचे ले जाने। यार अलग यहाँ पे पानी है ना, तो सोचे कि फटाफट से यही धो लेती हूँ, और फिर अंदर सफाई भी करनी है कल साजे के लिए। और कमेंट आ रहे थे कि आपको हमने खाना बनाते हुए देखा नहीं, तो मैं भी काम कर ही होती हूँ, और ज़्यादातर जो है खाना मैं ही बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सास को ही करने देती हूँ। मंजी, ओ देखो आपकी स्वेटर कहाँ पर है। हाँ, लेके आओ उसको, वो रात में मैं नहीं आ जाऊंगा, मेरे अपने पैर नहीं गंदे करने जो कि ऑलरेडी गंदे हो चुके हैं। ठीक है, रहने दे, चल फटाफट से हम ये धोएंगे और अंदर पोछा मारेंगे, फिर फटाफट से चल पड़ेंगे, उसके बाद हेयर कट करने। हाँ ठीक है, वो तो तब होंगे ना अगर चाबी भी लाई होगी, पता नहीं हम गाड़ी की चाबी भूल के नहीं लाना। उसके बाद नीचे जाना पड़ेगा किसी को, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, पापा जाएंगे, हेयर कट करने भी जरूरी है। अब बाहर भी कपड़े धोए और यहाँ पे भी कपड़े धोए, और शाम को जब वीडियो बनाती हूँ ना तो कम लाइट होती है अंदर, छोटे छोटे जो CFL बल्ब होते हैं ना वो जलाए होते हैं, तो मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ तो स्पेशल लाइट वगैरह उसके लिए नहीं लगा सकती हूँ। फटाफट से जो है यहाँ पे अब पोछा मार दूंगी, पोछा भी मैंने यहाँ बाल्टी में पानी वगैरह ले आया है, बाल्टी भी आजकल जैसे सीमेंट वगैरह रहती है ना बाहर ऐसी हो जाती है, पर सफाई करनी यहाँ ज़रूरी थी। नीचे भी जो है कपड़े धो के आई हूँ, पर नीचे क्या होता है ना मशीन में धो दिए थे, यहाँ हाथ में धोने पड़ते हैं, और अभी टाइम जो है पूरे 5 बज गए हैं, तो आधा घंटा पोछा में लगेगा। मेरे ना सारे काम आजकल उल्टे ही हो रहे हैं, मतलब कि वो चाय भी बन गई है, थक गए हम, फटाफट से हमने सारा काम निपटा दिया, और चाबियां ही नहीं लाई आगे साथ, और चाय के साथ ना हम ये बंद खाएंगे अब। और मेरे काम ऐसे होते हैं, चाबियां आगे ही भूल गई है, अब रौनक के बाल आज भी नहीं कट होंगे, तो हम क्या करेंगे अब देखेंगे, कल तो वीरवार है, कल तो कट करने ही नहीं देंगे ऐसे भी नहीं, तो अभी हम ये खाते हैं बंद, फिर मिलते हैं आगे जाके। हाल देखो कैसे हो गए, पसीना पसीना आगे से आते ही यहाँ पे लग गई वो फटाफट से, और बाहर देखो उधर साइड को मैंने कपड़े डाले हैं धो के, अब यहाँ पे सूखते रहेंगे हम, चले जाएंगे फिर नीचे रहेंगे, नीचे खाना बनाऊंगी, फिर आप लोग बोलते हैं फिर खाना सासी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, खाना जो है मैं भी बनाती हूँ, मिल बांट के ही करते हैं हम सारे काम, ज़्यादातर जो है मेरे बाहर के दौड़ भाग वाले काम होते हैं। तो चलिए फटाफट से ये खाते हैं फिर चलते। जूली इसका नाम, ये किसकी जूली है? अरे देखो तो एक जूली आ गई, अब सेम कपड़े वाला हमने पहने हुए, वाइट ये पता क्या करते हैं, ये पता क्या करते हैं, जहाँ ये लगा होता है ना वह फिर इसके काम में ये टांग अड़ा देते, फिर इनका घचपच हो जाता है, और यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है कैमरा, और अभी भी लगे हैं दोनों ही, पता नहीं पारोड़ी अलमारी में ऐसे ऐसे होते हैं इनके काम लगे होने, इसमें नहीं अलमारी में, बोल रही हूँ मैं अलमारी में ऊपर वाले खाने में, देखी इसके नाते की पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, फिर इसके कपड़े बाहर तो नहीं है धोए हुए, ये वाली दे दो। तो ऐसे ही होता है जैसे मतलब कि घरों में जो बच्चा होता है ना, जैसे मैं इसको काफी पहले से मतलब कि ये इनको इसको बोल रहे थे
ये अब जा रहे हैं बाहर। और ये वो है काफी पहले से फोन इसको आवाज मारे है कि भाई नहाने आ नहाने आ, नहीं आया। और पता होता है कि दादी कुछ बोलेंगी नहीं, और जब मैं चीखूंगी ना जोर से फिर चले जाते हैं। मतलब कि मेरे से डर रहता है ना, इसलिए इसको मम्मा जी भी बोलना ही पड़ता है। दादी का पता है कि दादी के सामने चल पड़ता है, ऐसा होता है बच्चों का। और कमेंट भी थे कि जाओ भी ले जाओ वो पर ही होने। और पता है क्या, फिर ऐसे ही होता है जहाँ पे जॉइंट फैमिली, तो जहाँ पे ऐसे हम कंबाइन में रहते हैं ना, मेनली क्या होता है बच्चे, अभी देख मम्मी, अभी मम्मी जो है टी शर्ट लेके चले गए ना, और फिर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्रामे हो रहे हैं। अब उसने पहनी नहीं, और मैं जैसे ही जाऊँगी ना एकदम से चुपचाप पहन लेता है, क्योंकि थोड़ा डर होता है। और मम्मी जो है खाना बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मुझे जो है मम्मी के हाथ के अपनी सास के हाथ का खाना भी पसंद है। और बाकी जो है जब मैं थकी हुई होती तो बना लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और क्लियरिफाई करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर कमेंट देखते हैं ना, फिर वहीं से ही कुछ लोग जो है वीडियोस देखते देखते कमेंट्स भी देखते ना, तो फिर कमेंट उनके दिमाग में वैसे चल रहा है। नहीं 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 दो बार पहनी है इसने ये। और फिर मैं भी ना यहाँ पर रौनक को इनके हवाले डाल देती हूँ, और चलो अब फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि धूप में ऊपर भी गई थी फिर नीचे भी आई। और सबसे पहले तो मैं किचन जाऊंगी, अब कोफ्ते मैंने रखे हैं ना फ्रिज में, उसकी सब्जी बनाऊंगी, एक दाल बनाऊंगी। तो गंदी आदत है आपकी, सारे गिलास वहाँ पे इकट्ठे करके रखते हो, 11-12 गिलास होते दिन के निकाले। और अभी बन रही है शाम के लिए चपाती, इसमें लगाई है चावल, इसमें है दाल। दाल किसकी है? दाल में दाल है, और इसमें नीचे जो है सब्जी है। क्या बोलते, थोड़े चने और मूंगी के। आज मरीजों वाली दाल है, और मैं तो मैगी बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी मैगी खाऊंगा। नहीं नहीं फिर तो दाल खानी पड़ती है, बच्चों को दाल खानी जरूरी होती है। तो अभी बन रहे हैं यहाँ पे फुलके, इसमें है जो राइस लगे हैं उसमें सब्जी बनी हुई है, और इसमें मैंने दाल बना ली हुई है। और फुलके बन के जो है रौनक फिर डिनर करेगा। और आज जो है रौनक की फेवरेट दाल बिल्कुल भी नहीं है, रौनक को बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी दाल है रौनक? मिक्स दाल। हाँ तो पहले सोच रही थी कि घी की जो है वो कोफ्ते बनाऊंगी, लेकिन जो है सब्जी बन गई है ऑलरेडी, वो जो है मम्मी ने बना दी थी। फिर कमेंट आते हैं कि खाना आपके साथ बनाते हैं, तो हम मिलजुल के सारे काम करते हैं। तो चलिए फटाफट से जल गया मेरा फुल्का, फिर चला वो फुल्का, रौनक खाता नहीं है। रौनक खीरा तो खाई मत, खीरा खाने लगे हो? पता नहीं उस दिन मैं भी इसी कोई खा के, जैसे मैंने ना ये खीरा खाया था और मैं बीमार हो गई थी। और मैंने ना अपने लिए मैगी बनाई है, मैगी के साथ फुलके खाऊंगी, क्योंकि मिक्स दाल के साथ मेरी जो है उतनी बनती नहीं। रोटियां खाए और दो फुलके, और मैं परे जाऊंगी टीवी के पास, वहीं पे बैठूंगी, वहीं पे ही खाऊंगी खाना। मम्मी डैडी वहां पर टीवी देख रहे हैं। रुको ये जली हुई वाली रोटी आ गई, वहां पर टीवी देखते देखते खाऊंगी। ये दोनों ज्यादातर यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, और मैं ज्यादातर टीवी के पास। और मम्मी डैडी जो है अभी खाना नहीं खाते, उनको ना लेट खाना खाने की आदत है, और शुरू से ही मैं जो है जल्दी खाना खाती हूँ, और बच्चों को भी, इनको भी। अभी 8:30 बजे हैं, 7:30 हुए हैं, तो हम इतने जल्दी खाते हैं। और मम्मी डैडी तो के बाद 9:30 बजे के बाद भी खाते हैं। और चलिए फिर इस वीडियो का ना मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो जो भी है जितनी भी है, जब तक रौनक के पेपर है ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। मिलूंगी फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।